एक गरीब महिला जो रेलवे स्टेशन पर गाना गाते हुए भीख मांगती थी, एक वीडियो वायरल होने पर अचानक मशहूर हो गई और उसे म्यूजिक डायरेक्टर को हिमेश रेशमिया के साथ गाना गाने का मौका मिला। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये सच है और उनकी पूरी किस्मत बदल गई। तो आइए जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में कि आखिर ये सब कैसे हुआ। लता के गाने से हुई मशहूर। दरअसल गरीब महिला रानू मंडल ने लता मंगेशकर का एक गाना प्यार एक नगमा है गाया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसके बाद रानू का मेकओवर करने वाले की लाइन लग गई। वहीं अब संगीतकार गायक हिमेश रेशमिया ने अपनी फिल्म में उन्हें मौका दिया है गाने का, जो उनकी नई फिल्म में गाना गाते हुए हमें नजर आएंगी। हिमेश रेशमिया ने दिया मौका। हिमेश रेशमिया की अगली फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर है। इसमें रानू मंडल ने तेरी मेरी कहानी नाम का गाना गाया है, जो कि काफ़ी फेमस हो रहा है। हिमेश रेशमिया ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें रानू स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही हैं, जो गाना लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। उनके पास हिमेश खुद खड़े हैं और गाइड कर रहे हैं। सलमान खान है बड़ी वजह। रानू मंडल को भले ही हिमेश रेशमिया ने गाने का मौका दिया हो, लेकिन इसके पीछे सलमान खान का बड़ा हाथ है। जी हां, एक इंटरव्यू में हिमेश रेशमिया ने खुद इसका खुलासा किया। हिमेश ने कहा कि सलमान भाई के पिता सलीम अंकल ने एक बार मुझे सलाह दी थी कि जब भी तुम जिंदगी में किसी टैलेंटेड इंसान से टकराओ, उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि इस इंसान को अपने टैलेंट के बलबूते आगे बढ़ने में मदद करना। वैसे हिमेश रेशमिया का उठाया गया ये कदम उस महिला की ज़िंदगी बदल सकता है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।